नमस्कार। आज के पाठ में मैं आपको चार्ली चैपलिन के बारे में बता रही हूँ। सभी का चित्रांकन के द्वारा मैंने व्याख्या की है पूरे पाठ की, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चार्ली चैपलिन पाठ के लेखक हैं विष्णु खरे। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में मानवीय भावनाओं का चित्रण किया है। वे तथा उनके पात्र सोच समझकर क्रिया नहीं करते हैं, अपितु उनके मन में जो भावनाएं आती हैं उसी के अनुसार वो व्यवहार करते जाते हैं। चार्ली चैपलिन की फिल्मों को हर कोई पसंद करता था, चाहे वे पागल खाने के मरीज हों, सिरफिरे पागल हों, या आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक हो, सभी चार्ली चैपलिन को बेहद पसंद करते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्म कला को लोकतांत्रिक इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने किसी एक वर्ग, जाति या समूह के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए फिल्में बनाई। इसलिए उनकी फिल्में सभी देशों के सभी लोगों को अच्छी लगती थी। प्रायः फिल्मों में भी वर्ग का बोलबाला होता है। अधिकांश फिल्मकार अलग वर्ग, जाति के लिए फिल्म बनाते हैं। कुछ फिल्में कला फिल्म होती हैं, कुछ फिल्में धार्मिक, राजनीतिक आदि भावनाओं पर आधारित होती हैं, परंतु चार्ली चैपलिन ने ऐसी फिल्में बनाई जिनका आनंद विश्व का कोई भी प्राणी ले सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी आयु का हो, जाति या वर्ण का हो। जो लोग समाज में समानता नहीं चाहते या अपने वर्ग वर्ण का एकाधिकार चाहते हैं, उन्होंने चार्ली चैपलिन की फिल्मों पर हमला बोला। बात करते हैं उनकी माताजी की। चार्ली चैपलिन की माताजी एक साधारण किस्म की अभिनेत्री थी जो स्टेज पर कार्य करती थी। उनके पति ने उन्हें परित्याग कर रखा था और वह गरीबी की मार सहते सहते पागल हो गई थी। चार्ली के पिता यहूदी वंश के थे। चार्ली का बचपन घोर कष्टों में बीता। उनकी माताजी व्यवसाय से साधारण किस्म की मंचीय अभिनेत्री थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनकी यही हालात जो थे उन्हें पागलपन की हद तक लेकर के गए। कठिन परिस्थितियों में चार्ली चैपलिन ने बड़े बड़े पूंजीपतियों और सामंतों से घोर उपेक्षा सहन की। भयंकर गरीबी में जीना, माँ के पागलपन को झेलना, पितृविहीन जीवन जीना और पूंजीपतियों की दुत्कार, ये सब उनके कड़वे जीवन के कड़वे अनुभव अंत तक बने रहे। चार्ली चैपलिन की नानी भारत से थी, जो भारत से यूरोप में गए थे और जिप्सी कहलाए थे। चार्ली चैपलिन ने भी लगभग घुमंतू जैसा जीवन जिया और फिल्मों में भी आवारा गर्द खानाबदोश का जीवन उन्होंने चित्रित किया। चार्ली चैपलिन अवचेतन मन में नानी के खानाबदोशी संस्कारों के थे। यूँ भी उन्होंने बेसहारा सा जीवन जीना पड़ा। पिता का साया नहीं था, माँ परित्यक्ता थी, घर में गरीबी थी, यही सब कारण थे कि वो घुमंतू संस्कारों के साथ अपना जीवन जीते थे। चार्ली चैपलिन पर कला समीक्षकों ने इतना कुछ लिखा, इतना सिर खपाया, इतना सोच विचार किया कि अब उन्हें कोई बात सूझती ही नहीं। यानी कि चार्ली चैपलिन पर हर कोण से बहुत कुछ लिखा गया। लेखक के अनुसार सिद्धांत कला से जन्म लेते हैं। आशय यह है कि किसी उत्कृष्ट कला को देखकर समीक्षक नए कला सिद्धांत गढ़ते हैं, पहले से चल रहे किसी कला सिद्धांत को देखकर नई कलाकृतियां नहीं बना करती हैं। चार्ली की हरकतें और कारनामे इतने रोचक, चुटीले और हास्य उत्पन्न करते हैं कि करोड़ों लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। समय और भूगोल से कटकर देखने का आशय इस पाठ में यह है कि उनकी कलाकृतियाँ पूरे विश्व पर लागू होती हैं। चार्ली के कारनामों को देखकर के दर्शकों को यह लगता है कि वह चार्ली को किसी न किसी रूप में जानते हैं, यानी कि उनकी हरकतें उनके आसपास की जिंदगी का चित्र दिखाती हैं।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र में से एक से अधिक रसों के साथ साथ व्यक्त होने को स्वीकार किया, लेकिन हास्य और करुण रस दोनों भारत के शास्त्र में नहीं पाए जाते, जबकि चार्ली चैपलिन की फिल्मों में दोनों का मेल पाया जाता है, हास्य और करुण रस का मेल पाया जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में प्रायः दूसरों पर हंसा जाता है, लेकिन चार्ली चैपलिन जो है खुद पर हंसता है। भारतीय कलाओं में करुणा प्रायः सदाचारी व्यक्तियों के प्रति व्यक्त की जाती है, कभी कभी दुष्टों के प्रति करुणा व्यक्त करने का भी विधान है। भारत में विदूषक का काम होता है दर्शकों को हंसाना, यानी एक जो बीच में अलग से कलाकार होता है हंसाने वाला, उसका ये काम होता है कि वह लोगों को हंसाए। लेकिन यहाँ पर चार्ली चैपलिन स्वयं पर हंसता है और पूरी फिल्म में स्वयं ही हंसाने का कार्य करता है, हंसोड़े का कार्य करता है। चार्ली की फिल्मों के खलनायक दर्शकों के सामने विदेशी पात्र जैसे लगते थे। उनमें पड़ा हुआ चार्ली हमें अपने जैसा या आसपास के साथियों जैसा लगने लग जाता था। चार्ली अपनी मानवीय क्रियाओं के द्वारा हमें आत्मीय लगने लग जाता है, यानी अपने जैसा सा लगने लग जाता है, और वह जिन दुष्ट पात्रों के बीच में फंस जाता था वे हमें विदेशी प्रतीत होने लग जाते थे। चार्ली के कारनामे इतने विविध थे कि वे किसी एक पात्र की कहानी के नहीं हो सकते। उसके संदर्भ बहुत अधिक व्यापक हैं और वे हमारे आसपास फैले जनजीवन की झांकी को दिखाते हैं। भारत में अगर होली के त्यौहार की बात करें तो यह सब त्यौहारों से भिन्न है, जिस पर हम हंस सकते हैं या जानबूझकर अपने आप को हंसी का पात्र बना सकते हैं। भारत में अपने पर हंसने की परंपरा सामान्यतः नहीं पाई जाती है। चैपलिन प्रायः महामहिम लोगों पर, शासकों पर और शक्तिशाली लोगों पर भी हंसता है। वह ऐसे लोगों को या तो अत्यंत कठोर रूप में दिखलाता है या अत्यंत कोमल रूप में दिखलाता है। चैपलिन स्वयं को सबसे हास्यास्पद तब बनाता है जब वह स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली दिखाता है, और ऐसे क्षण में हंसी करके वह दिखाना चाहता है कि शक्ति और जो जितनी भी ताकत है वो सब एक दिखावा है और कुछ भी नहीं है। चैपलिन गरिमा का गुब्बारा फुलाकर उसे एकाएक फुस कर देता है ताकि आडंबरों की पोल खुल सके, यानी कि गरिमा या शान और शौकत की व्यर्थता का वह अपने चित्रण में बोध करवाता है। और अपने आप पर हंसने की परंपरा जो है वो किसी की संस्कृति नहीं है देश की, बल्कि चार्ली चैपलिन ने एक नई कला चलाई थी जिसमें वह स्वयं पर हंसता है। चार्ली के टिली होने का क्या हास्य है, एक पैराग्राफ में यह शब्द आया है। चार्ली के कारनामों के प्रतिरूप, जिस प्रकार चार्ली के कारनामे और रोमांस अंत में पंचर हो जाते हैं, उसी प्रकार आम मनुष्यों के रोमांस भी फुस गुब्बारे जैसे सिद्ध होते हैं। चार्ली के चरित्र के साथ प्रायः घटनाएं होती रहती हैं जो ऊंचाई तक पहुंचकर एकाएक असफल हो जाते हैं, महानता हासिल करके लात खा जाते हैं, कभी कभी कुछ ना होते हुए यूं भी जीत जाते हैं, यानी बिल्कुल परिवर्तन भी आ जाता है। चार्ली अपने चरित्रों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि बड़प्पन, महानता, शासन अधिकार आदि सब दिखावा है, छलावा है। सुपरमैन विशिष्ट शक्तिशाली मनुष्यों को कहते हैं। केवल मनुष्य केवल कल्पना कथाओं में पाया जाता है, सुपरमैन कभी हारता नहीं है। चार्ली केवल सामान्य मनुष्य है, वह कितनी भी सफलता पाले उसके भीतर दुर्बलताएं हमेशा रहेंगी। सामान्य होना उसकी नियति है।